अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों यकीनन आपने, एक किसान हैं तो आपने पहचान ही लिया होगा कि ये किस चीज़ की फसल है, कौन सी क्रॉप है। तो एक हरी भरी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक 2 एकड़ पर हमारी सरसों मैंने काश की है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आज वीडियो बनाने का मकसद कि जो आजकल बारिश चल रही है, गुज़श्ता 3 दिन से मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है, क्या सरसों पर असर अंदाज होती होगी या नहीं होगी या हो रही है, इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको दिखाऊंगा अभी मैं माशाल्लाह से, ये इसमें दाने की जो भराई का अमल पे मुकम्मल हो चुका है, कुछ कुछ बकाया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो सरसों में इस पोजीशन में जो बारिश चल रही है वो असर अंदाज होगी या नहीं होगी बारिश सरसों पर। तो इतना खातर खा इसमें असर अंदाज नहीं हुई, यानी कोई फसल इसमें नुकसान कोई नहीं हो रहा, क्योंकि ये पक चुकी है और इसके फूल ऊपर से गिर चुके हैं, जो ऊपर वाले छोटे छोटे हल्के हल्के आपको नज़र आ रहे हैं ये बकाया बच गए। तो इतना नुकसान है, बल्कि ये एक फ़ायदेमंद बरसात है हमारे फसलों के लिए। तो बात कर रहे थे कि इसमें कोई असर अंदाज नहीं होती, और ऊपर से क्योंकि ये कुदरत की चीज़ है, या ख़ास तौर पर इस पोजीशन में सरसों के लिए एक कारामंद है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक फर्टिलाइज़र बरसात अगर टाइम पे हो तो फर्टिलाइज़र का रोल अदा करती है, क्योंकि हवा में जो नाइट्रोजन होती है उससे थ्रू जो बरसात की हुई पड़ती है, तो नाइट्रोजन हवा के थ्रू हवा में मौजूद होती है, वो फसलों पर गिरती है। कोई भी फसल हो, लेट काश्त हो या अर्ली, अर्ली के लिए तो कुछ नुकसानदेह होता है, लेकिन जो लेट काश्त हो उसके उसके लिए फ़ायदेमंद है ये। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये पहले नवंबर की काश्त है तो तैयार हो चुकी है, इंशाल्लाह अगले माह तक ये हार्वेस्टिंग फरवरी के लास्ट में ये जो है ना हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाए। तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, जो हमारे हजरात कहते हैं कि ये हमारे नुकसान है या बरसात फसलों के लिए, खास तौर पर गंदम और सरसों के लिए, तो परेशान ना हो, ये एक फ़ायदेमंद है। एक तो पानी की कमी थी थोड़ी ज़्यादा, वो भी थोड़ी थोड़ी आ गई उसको हल्की हल्की, और फर्टिलाइज़र भी आ गया। अगर इस पोजीशन में आप भराई का जो दाने के भराई का अमल है, इसमें अगर आप आधी बोरी डीए देते हैं, डीएपी जो फर्टिलाइज़र उसकी देते हैं, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, इस पोजीशन में ख़ास तौर पर वीट हो या सरसों हो, जब भी गंदम इसमें दाने की भराई का अमल हो, इसमें आधी बोरी डीएपी या एनपीके देना लाजमी है। तो माशाल्लाह ये हमारी तैयार हो चुकी है। अगर सुस्त माला वगैरह लग रहा है आपके यहाँ, तो एनपीके का स्प्रे आप बआसानी किसी भी अच्छी कंपनी का कर सकते हैं, उससे आपकी जो सुस्त माला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ऐसी ज़हर इस्तेमाल ना करें जो दोस्त कीड़े पर असर अंदाज हो। ये देखिए आप, इसमें देसी शहद की मक्खियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, इसमें शहद की मौसम चल रही है, ये फरवरी का जो मंथ है इसमें अच्छी वो फर वगैरह लगता है इसमें माल, तो ऐसी इस पर ना करें जो माहौल को, हमारे जीवित को जिसमें ख़तरा लायक हो। ये देखिए बहुत सारी शहद की मक्खियाँ नज़र आ रही हैं मुझे इसमें। तो वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।